वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट वुमेन। आज मैं आपके साथ बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस एंड सूट शेयर करने वाली हूँ, पार्टी वेयर सूट शेयर करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लास्ट तक देखना। ऐसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैंने कौन सा ड्रेस मंगाया है जो कितना अट्रैक्टिव लग रहा था, और ये ड्रेस थम्स अप है या थम डाउन है, इसके बारे में बात करूंगी मैं। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बता दूं कि मीशो की मैंने बहुत सारी साड़ीज एंड सूट की ज्वेलरी की वीडियोस बनाई है, हॉल बनाया, रिव्यू किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो भी देख लेना। वीडियोस एंड में मैं उसका लिंक आई बटन में भी डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन भी डाल दूंगी, तो अगर आप चाहो तो वहां से चेकआउट कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने आज सबसे पहला सूट मैं आपको दिखाती हूँ जो पीच कलर का है, वो इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से थी। ये सूट ना फ्रेंड्स देखने में ना इमेज में सच बताऊ ना तो काफी ज्यादा लग रहा था कि मतलब आप पार्टी में भी पहन के जा सकते हो ऐसे, लेकिन अभी मैं देखती हूँ आपके सामने कि इसका पार्टी का लुक है या नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि मीशो वाले दिखा तो देते हैं ऐसी चीजें और कई बार नहीं भी उतना अच्छा मिलता है, तो उसका रिव्यू मैं उसके अकॉर्डिंग देती हूँ। अगर अच्छा है तभी मैं बोलती हूँ कि अच्छा है। तो चलो इसका जो कॉलर है, कॉलर देखो आप, इसका जो कॉलर है वो कॉलर कुछ इस तरह का है, और इसकी एम्ब्रॉयडरी जो है ये ऊपर पूरा नीचे अस्तर लगा हुआ है और इसके पूरा एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है। अब नीचे जब आप आओगे तो यहाँ पे जो ब्रेस्ट का पोर्शन है उसके थोड़े से नीचे तक ही आपका मतलब कपड़ा आएगा। ये वाला जो पोर्शन है ना फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा यहीं तक आएगा, मतलब ज्यादा बहुत नीचे तक नहीं आ रहा था ये, तो ये यहाँ तक आएगा जैसा कि इमेज में था बिल्कुल वैसा ही। और यहाँ पे नीचे ये नेट का फैब्रिक है, पीछे कोई इसमें इन्होंने एम्ब्रॉयडरी नहीं दिया हुआ है, पीछे पूरा प्लेन है, कोई भी एम्ब्रॉयडरी नहीं है। और यहाँ पे जो आगे है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे वर्क किया हुआ है। वर्क की बात करूं फ्रेंड्स तो इसमें सीक्वेंस लगे हुए हैं और सीक्वेंस के ऊपर यहाँ पे इन्होंने पर्ल लगाया है जो इसकी ब्यूटी को बहुत इनहेंस कर रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। कलर भी काफी सुंदर है, एकदम लाइट सा कलर है, तो काफी सुंदर लग रहा था देखने में। इसके अंदर की फैब्रिक की बात करूं ना फ्रेंड्स कि अंदर का कपड़ा कैसा लगाया है इन्होंने, तो अंदर का कपड़ा काफी अच्छा है, प्योर कॉटन कल नहीं कह सकते, 90% कॉटन और 10% रियॉन मिक्स है इसमें, तो कुछ इस तरह से लग रहा है। लेकिन काफी अच्छा है, काफी स्मूथ है, काफी मतलब कुछ चुभने वाला नहीं है इसके अंदर, काफी अच्छा है। और जैसा कि इमेज में ये दिख रहा था बिल्कुल वैसा ही है ये, तो ये कुछ इस तरह से है। और इसकी हैंड की बात करूं फ्रेंड्स तो हैंड पे भी कुछ इस तरह का वर्क दिया हुआ है, और हैंड पे ना फ्रेंड्स दोनों साइड पे वर्क दिया हुआ है, तो काफी सुंदर है। इसका जो हैंड के नीचे जो ये वाला चीज है जो आगे की तरफ झुका हुआ है, इसमें काफी डेंस वर्क दिया हुआ है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि सूट में ना, सूट में यहाँ पे जो थोड़ा थोड़ा मतलब गैप दिया हुआ है वैसा नहीं है, हैंड की जो का वर्क है इसमें काफी ज्यादा सीक्वेंस दिए हुए हैं और काफी ज्यादा पर्ल दिया हुआ है, तो जो कि काफी सुंदर लग रहा था। मैं अभी ट्राई एंड हॉल करूंगी तो उसमें बता दूंगी आपको कि कैसा एग्जैक्टली दिख रहा था वो पहनने के बाद। तो ये कुछ इस तरह से है, इस जैसा इन्होंने दिखाया था वैसा ही दिया है इसमें, नो डाउट। अब इसके प्लाजो की तरफ मूव करते हैं, तो इसका जो प्लाजो है ये देखो, इसका प्लाजो मैं अभी ना एक साइड का ही खोली हूँ, देखो इसका कितना अच्छा मतलब चौड़ाई दिया हुआ है। कई बार क्या होता है कि प्लाजो ना यहाँ से चली जाती है, मतलब अगर आपको थोड़ा भी टाइट जैसे होता है ना तो फिर मतलब बैठने में वो फटने का डर रहता है, खसक जाता है कपड़ा, तो इसलिए। तो अभी मैंने एक साइड ही खोला था तो आपको देखना कितना ज्यादा था। अब देखो ये दोनों साइड पे ना, मतलब कपड़े के मामले में ना इन्होंने थोड़ी सी भी कंजूसी नहीं की है, मतलब सही में सही में मतलब आप जो साइज मंगा रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको मिल गया है। ये मेरा जो साइज मैंने मंगाया है ये वाले का है, वो लार्ज मंगाया है। और ये देखो अब इसके नीचे जो ये दिया हुआ है इसमें इस तरह की गोटा की पत्ती लगी हुई है जो इसके लुक को काफी सुंदर और कर रहा था, मतलब काफी अच्छा लग रहा था नीचे आने पे ये वाला पहनने के बाद। इस पे आप तो हाई हील्स पहनना तो इसका तब इसकी ब्यूटी काफी और अच्छी लगेगी। इसका जैसे एज इमेज इसमें ये कुछ इस तरह से पान का वो मतलब दिया हुआ है कॉलर, इस तरह का कॉलर मेरे को खास करके काफी पसंद आता है, तो ये दिया हुआ है। और यहाँ इसकी स्लीव कुछ इस तरह से दी हुई है,
मैं अभी स्लीव पे आऊंगी, पहले मैं आपको इसकी कली दिखा देती हूँ। देखो ये वाली चीज जो इन्होंने दिखाई थी ना, ये वैसी ही दी है इन्होंने। ये काफी सुंदर लग रहा था यार, काफी सुंदर लग रहा था, इमेज में भी काफी सुंदर लग रहा था और इसका घेरा भी काफी सुंदर आया हुआ है। तो देखो अब मैं ऊपर आपको दिखा दिया मैंने कि प्लेन था, और नीचे आप देखोगे ना फ्रेंड्स तो इस तरह की गोटे की पत्ती लगी हुई है और इसमें काफी सारी कली बनी हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ कुछ इस तरह से करके, तो आपको समझ में आएगा। देखो इस तरह का, इस तरह से देखो, इस तरह का इसके पीछे ना आगे गोटा का पत्ती लगा हुआ है, गोटा पत्ती लगा हुआ है और काफी सुंदर लग रहा है। ये गोल्डन कलर की पत्ती लगी हुई है, इसके नीचे भी जब आप जाओगे तो इसके नीचे दो सर्कल बनाकर फिर यहाँ पे गोल्डन का कपड़ा लगा हुआ है कुछ इस तरह से, और फिर यहाँ पे भी नीचे इस तरह से गोटा पत्ती लगी हुई है। तो ये जो इस सूट का जो मतलब आप कह सकते हो कि मेन पार्ट ये था कि जो गोटा पत्ती के कारण ये काफी इनहेंस हो रहा था और इसके जो कलियां हैं वो काफी ज्यादा थी, तो इसमें पूरी तरह वो है, मतलब गोटा पत्ती भी अच्छे से यूज किया गया है और फ्रेल भी है इसमें, काफी ज्यादा घेरा भी है। तो ये मेरे को जैसे इमेज में दिख रहा था वैसे है, और इसके पीछे फ्रेंड्स कोई भी किसी भी तरह का गोटा पत्ती नहीं लगा हुआ है। जैसे कि पीछे इस तरह से प्लेन है तो ये पूरा पीछे यहाँ तक पूरा ये प्लेन दिया हुआ है, मतलब अच्छा है। और ये पहनने के बाद काफी अच्छा लुक आ रहा था। आप इसके साथ ना कुछ ऐसा पहनना जो ना गले में चिपका हुआ हो तो वो काफी अच्छा इसके लुक को और एनहेंस कर देगा। और इसके साथ जो पैंट का कपड़ा आया था फ्रेंड्स, वो प्लाजो नहीं है इसके साथ, इसके साथ पैंट ही है। तो ये देखो इसका पैंट का कपड़ा भी काफी अच्छा कपड़ा दिया था इन्होंने, ये रियॉन फैब्रिक में दिया हुआ है। और इसका देखो, इसकी चौड़ाई देखो, ये मैंने वही साइज मंगाया है बट आप देख रहे हो ये पैंट है तो इसकी, इसलिए इसका मतलब चौड़ाई कुछ इस तरह से है। और ये पैंट की फिटिंग भी काफी अच्छी आ रही थी, ऐसा नहीं है कि कहीं से ऊपर नीचे कुछ दिक्कत आ रहा था, ऐसा नहीं है, काफी अच्छा फिटिंग आ रहा था। और कपड़ा भी काफी सॉफ्ट है इसका, इसमें इस तरह से ना पैंट में रबड़ लगे हुए हैं, इसमें कोई पैकेट नहीं दिया हुआ है और इसके साथ पहनने के लिए काफी सुंदर लग रहा था। चुन्नी दिया है इसके साथ फ्रेंड्स, चुन्नी भी काफी सुंदर है इसका, 2.25 मीटर की चुन्नी है ये, और ये इस काफी सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट था। मतलब ना आप ये सूट अगर आपने मीशो पे देखा है या फिर कहीं पे भी देखा है, इसका रिव्यू चाह रहे हो तो मैं कहूंगी आप बिल्कुल ले सकते हो, बहुत अच्छा है। इसकी इस चुन्नी पे चारों साइड पे फ्रेंड्स इस तरह का चौड़ा गोटा लगा हुआ है जो कि काफी सुंदर लग रहा था ये। तो इस तरह से पैटर्न की तरफ मूव करते हैं जो कि ये इस वीडियो की जान थी, मतलब ये मेरे को काफी अच्छा लगा। सो देखो इसकी पैकेजिंग जो है ना कुछ इस तरह से आई थी, इसको मैंने खोल दिया था तो फिर इसको डालने के लिए मैंने कुछ ऐसे ही डाल दिया है, बट आया काफी अच्छे से था। ये सिद्धि विनायक क्रिएशन करके है, उनके उससे मंगाया था मैंने। देखो सो देखो फ्रेंड्स कुछ ये इस तरह से इसकी फ्रिल लगी हुई है, और ये जो फ्रिल इन्होंने यूज किया है ना, ऐसा नहीं है कि मतलब दिख रहा है कि इतने ज्यादा घेरा है और इतना फ्रिल लगा हुआ है, तो बस मतलब मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे देखो इनकी डेंस देख रहे हो आप, जो इन्होंने नेट की नेट लिया है, इसमें जो सिलाई की गई है काफी पतला पतला लिया गया है और काफी ज्यादा फैब्रिक को यूज किया गया है। आप कंपेयर करूं मैं इमेज से तो ये थोड़ा सा मतलब कड़ा फैब्रिक है, और मे बी इससे कोई इस पे खास फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अगर थोड़ा कड़ा है तो ये इसको थोड़ा सा और स्ट्रेट लुक दे रहा है, मतलब लेयर्स काफी और अच्छे से दिख रहे थे। तो आप देख सकते हो इसमें ऊपर से नीचे मैं ऐसे कर रही हूँ, ऊपर से नीचे कुछ इस तरह से फ्रिल दिए हुए हैं। ये ऐसा है कि मैं पूरा मैं ही ढक जा रही हूँ इसमें, तो ये ऊपर से यहाँ पूरे कमर में इस तरह से दिया हुआ है, सेमी स्टिच आया है फ्रेंड्स। इसके पीछे एक रियॉन का कपड़ा लगा हुआ है, काफी ये कपड़ा काफी सॉफ्ट है ताकि वो आपको चुभन वाली फीलिंग ना आए। तो ये कुछ इस तरह से, अब इसके नीचे अंदर ना कैनकन लगा हुआ है जो इसके वो को मतलब जो घेरा है उसको और ज्यादा मतलब फ्लैरी लुक देने के लिए और खुलने के लिए, तो इस तरह से यहाँ पे कैनकन लगा हुआ है, और फिर उसके अंदर एक लेयर कपड़ा दिया हुआ है, और फिर ये वाला जो झल्ली टाइप का कपड़ा है
वो दिया हुआ है, मतलब बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं, अगर आप पहनना पसंद करते हो तो पहन सकते हो, नो डाउट। ये थोड़ा अलग तरह का है, मतलब अभी तक मैंने किसी को अपनी पार्टीज या कहीं पे देखा नहीं है पहने हुए, तो ये थोड़ा अलग सा लग रहा था और काफी सुंदर भी लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो देखते हैं कि कैसा है। तो इसकी लेयर्स कितने हैं वो मैं बता देती हूँ, इसमें 1, 2, 3, 4 फोर लेयर्स दिए हुए हैं फ्रेंड्स, फोर लेयर्स दिए हुए हैं, 1, 2 एंड 3, नो 3 लेयर्स ही है, सॉरी 3 लेयर्स ही दिए हुए हैं। पर आप ये देखो कि जो पहले वाली लेयर आपको दी हुई है ना, उसका चौड़ाई बस इतना है, दूसरे वाले लेयर का चौड़ाई कुछ इतना है नीचे इस तरह से, और थर्ड जो लेयर जो है दिया हुआ है इन्होंने, उसकी चौड़ाई कुछ इतना है, मतलब तो ये 3 लेयर में ही है। इमेज में देखने में काफी ज्यादा लग रहा था काफी ज्यादा लेयर्स है, मतलब 3 लेयर में ही है, लेकिन टोटली अगर आप इस तरह का ड्रेस पहनना प्रेफर करते हो तो बिल्कुल ले सकते हो, काफी खतरनाक लगोगे आप, काफी अच्छा लगोगे, काफी सुंदर लगोगे, तो ये आप ले सकते हो। चलो इसकी ब्लाउज की बात करती हूँ, पिक्चर में देखने में फ्रेंड्स ऐसा लग रहा था कि ब्लाउज भी स्टिच आएगा, पर ऐसा नहीं था, ब्लाउज इन्होंने कुछ इस तरह का दिया है कपड़ा, कपड़ा काफी सॉफ्ट है, ब्लैक कलर का कपड़ा दिया, आप चाहो तो इसे फुल स्लीव्स बना सकते हो, तो इसके अकॉर्डिंग में काफी ज्यादा इन्होंने कपड़ा दिया है, तो आराम से ये बन जाएगा। और ये कपड़ा जो है सिल्क का है, का कपड़ा दिया हुआ है इन्होंने, तो ये इसमें काफी अच्छी साइनिंग है, काफी अच्छा, मतलब टच में भी काफी अच्छा है, अगर आप सिलाओगे तो सच में इसके साथ जो मतलब कॉम्बिनेशन है काफी अच्छा परफेक्टली बैठ रहा है। और इसके साथ इन्होंने 1 मीटर भी नहीं है यार, आधा मीटर का मतलब इन्होंने पतला सा लेस दिया है, अगर आप चाहो तो इसे ब्लाउज के नेक पे लगवाना चाहो तो उस तरह से लगवा सकते हो, लेकिन अगर इमेज में देख रहे होगे कुछ अलग तरह का ब्लाउज का डिजाइन बना हुआ है, तो वैसा नहीं आया है इसके साथ, आप प्लेन कपड़ा आया है सिल्क का, प्योर सिल्क नहीं है, थोड़ा सा मिक्स है ये, तो वो कपड़ा आया है, आप उसको ड्रेस के अकॉर्डिंग जैसे भी चाहो आप सिला सकते हो। तो आई थिंक ये बेस्ट पार्ट ही है कि इन्होंने ब्लाउज दिया नहीं है सिला के, मतलब आपको अपने अकॉर्डिंग सिलाना है, तो ये मैं कहूंगी कि बेस्ट पार्ट है इसका, क्योंकि काफी ज्यादा ब्लाउजेस किसी किसी को जल्दी मतलब परफेक्टली फिट नहीं आते हैं, तो इसलिए। तो चलो ये था वीडियो, इसमें मैंने सूट और ये पीस मंगाया था, कैसी लगी वीडियो लाइक कर देना, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करना कि कैसा लगा, अच्छा ना भी लगा हो यार तो भी कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो कि हाँ मेरे को ये प्रोडक्ट उतनी अच्छी नहीं लगी जैसे कि इमेज में दिख रही थी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो चलो वीडियो एंड करती हूँ मैं, और तब तक के लिए बाय बाय।